बाबा बालकनाथ जी को कलयुग का साक्षात अवतार सयोत सिद्ध माना गया है। सिद्धों के विलक्षण चरित्र व संबंधी लोक का महाभारत के अश्वमेध पर्व में भी उल्लेख मिलता है। लोकमत के अनुसार सिद्ध पुरुष सहस्त्रों वर्ष जीवित रहते हैं और आज भी सूक्ष्म रूप के लोग विचरण करते रहते हैं। बाबा बालकनाथ जी का जन्म पौराणिक मुनि देव व्यास के पुत्र शुक्रदेव के जन्म के समय बताया गया है। शुक्रदेव मुनि का जब जन्म हुआ उसी समय 84 सिद्धों का विभिन्न स्थानों पर जन्म लिया। इनमें से स्वयं सिद्ध बाबा बालकनाथ जी भी हुए और बाबा बालकनाथ गुरु दत्तात्रेय के शिष्य थे और ऐतिहासिक संदर्भ में नवनाथों और 84 सिद्धों का समय 8वीं से 12वीं सदी के बीच माना जाता है। चंबा के राजा साहिल वर्मन ने राज्यकाल जो कि 10वीं सदी का बताया जाता है और उस समय 84 सिद्ध भरमौर गए थे और वह जिस स्थान पर रुके थे वह स्थान आज भी भरमौर 84 के नाम से विख्यात है। 9वीं सदी में दशहदी, सर्पा, शर्पा, लुईपा आदि कुछ सिद्धों संतों की वाणियां मिली हैं। बाबा बालकनाथ जी के बारे में लोक श्रुति सत्यंत प्रसिद्ध हैं, जो उनका जन्म युगों युगों में होता रहता है। सतयुग में स्कंद, त्रयायुग में कौल, द्वापर में महाकौल और कलयुग में बाबा बालकनाथ नाम से उनका अवतार हुआ है। गिरनार पर्वत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जूनागढ़ में गुरु दत्तात्रेय में उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। उस जमाने के सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में पधारे बाबा बालकनाथ घूमते घूमते बिलासपुर के बिछड़टू में पहुंचे और कुछ समय रहने के बाद शाहतलाई में आए। वहां उनकी भेंट माई रत्नों से हुई और शाहतलाई में उन्होंने वट वृक्ष के नीचे अपनी धुनी रमाई। 12 वर्ष का समय पूरा होने के बाद पूर्णाहारी बाबा बालकनाथ देवसिद्ध में अपना धाम प्रसिद्ध किया, जहां उनकी भेंट चमकौर के गायें चराने वाले बनारसी दास में हुई और आज ये स्थान देवसिद्ध नगर में प्रसिद्ध है। देवसिद्ध में चरण पादुका मंदिर, भर्तरी मंदिर, मठ स्थल, महंत कृपालगिरी महंत समाधि स्थल और महंत शक्तिगिरी समाधि स्थल, महंत शिवगिरी समाधि स्थल, महंत रणजीत समाधि स्थल आदि अनेक दिए मंदिर हैं। तो ये थी बाबा बालकनाथ जी की कुछ रोचक बातें। आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। जाते जाते हमें सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहें। जय बाबा बालकनाथ जी की जय।